शहर के दिलवाड़ा रोड स्थित क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय में रविवार की आधी रात को शराब पार्टी होने की खबर के बाद मौके पर पहुंची मीडिया टीम को देखकर मौके पर मौजूद लोग भरी गिलास तथा बियर की बोतलों को हाथ में लेकर इधर उधर भागते नजर आए। इस बात की खबर सिटी थाना पुलिस को करने के बाद पुलिस की गाड़ी भी वन कार्यालय पहुंची, लेकिन तब तक सारा मामला शांत हो चुका था। वहां मौके पर मौजूद करीब चार जनों के मुंह से शराब की महक साफ आ रही थी, मगर पुलिस ने उनका कोई मेडिकल नहीं कराया और सुबह सारे मामले की पड़ताल करने की बात कहकर चले गए। क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय में रविवार की देर रात दो कारों में सवार कुछ लोगों के पहुंचने की खबर मिली तो एक मीडिया चैनल के प्रतिनिधि कैमरे के साथ जा पहुंचे। मौके पर रेंजर अधिकारी जोगेंद्र सिंह शेखावत व चौकीदार तथा दो और लोग क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय की टेबल पर बियर की बोतल व शराब के साथ गिलासे लेकर खाना खाते देखे गए। रेंजर शेखावत से भी जब पूछा गया तो उन्होंने यहां चौकीदार का कमरा व कार्यालय के पीछे रसोई तथा अपना मकान होना बताया और कहा कि वे खाना खा रहे हैं, लेकिन जिस तरह कैमरे में शराब की गिलास लेकर भागते हुए शराब व बियर की बोतल तथा गिलास में रखे द्रव को फेंकते हुए दिखाया गया है और प्लेटों में जो खाद्य सामग्री रखी है उसे लगता है कि यह केवल भोजन करने का ही मामला नहीं था। मीडियाकर्मी ने यह भी सवाल किया कि यदि सिर्फ खाना ही खा रहे थे तो इस तरह भागने की और गिलास व बोतलें फेंकने की क्या जरूरत थी। वन विभाग के मौजूदा स्टाफ से दो कारों में निकले लोगों के बारे में भी जानना चाहा, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि यहाँ और कोई नहीं थे, जबकि दो कारों में सवारों को जाते हुए देखने की भी बात सामने आई है। उधर सोमवार को ड्यूटी पर पहुंचे रेंजर जोगेंद्र सिंह शेखावत ने रविवार रात को घटित घटनाक्रम के बारे में बताया कि ऑफिस के पास ही चौकीदार का कमरा है जहां पर वह रहता है और खाना भी बनाता है। हो सकता है कि उसने ऑफिस में आकर खाना खाया हो। ऑफिस में रेव पार्टी जैसी कोई घटना नहीं है। वायरल वीडियो देखा है जिसमें बियर आदि की बोतलें पड़ी थी, लेकिन वह चौकीदार का कमरा है। घटनाक्रम को लेकर जाँच की जा रही है। अगर जाँच में कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जाएगी। के दिनांक मेरे विचार में आया था, रात को वो ये श्रीमान पधारे थे, नाम एक्चुअल मुझे पता नहीं है। उन्होंने मुझे मेरी जानकारी में लाया गया कि रात को साहब कोई शराब पार्टी वगैरह कर रहे थे, रेव पार्टी वगैरह। तो मैं ऐसा मानना है इसमें रेव वगैरह कुछ नहीं। हमारे स्टाफ में तीन चार आदमी थे, वीडियो मुझे दिखाया गया है कोई बियर की बोतल वगैरह। तो चौकीदार का रूम भी था, वो रेंजगम रेजिडेंस है, और अगर ऐसा कुछ है तो मैं इसकी जाँच कर लूँगा। अगर कुछ गलत हुआ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।